शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर, आप देख रहे हैं खबर 7 न्यूज चैनल। फिरोजाबाद में कुछ इस तरह निकला 12 फवाद का जुलूस, सबसे आगे लहराया तिरंगा। मुस्लिम समाज के लोगों का सड़कों पर उमड़ा हुजूम, बच्चे महिलाओं से लेकर पुरुषों ने लहराया तिरंगा। फिरोजाबाद बुधवार को 12 वफाद का जुलूस फिरोजाबाद में बड़ी धूमधाम से निकाला गया। सड़कों पर महिला पुरुषों के अलावा बच्चे भी काफी तादाद में नजर आ रहे थे। जुलूस में सबसे आगे तिरंगा लहरा रहा था। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के इंतजाम किए गए थे। स्टेटन रोड पर जुलूस के दौरान जाम लग गया। इंस्पेक्टर बीडी पांडे ने जाम खुलवाते हुए जुलूस को निकलवाया। इस दौरान एक ओर के रास्ते को बंद कर जुलूस को निकालने के लिए रास्ता बनाया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने उनके नेक कार्य की सराहना भी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक चौधरी। किस? मैं जिला महामंत्री भारतीय जनता। सर, आज जो 12 अप्रैल का जो जुलूस निकाला जा रहा है, इस मुबारक मौके पे आप नगर वासियों को क्या मतलब संदेश देना? टूंडला के हर उस शख्स को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। ये टूंडला है, यहाँ हम सब मिलकर ये त्यौहार मना रहे हैं और ये दृश्य आपके सामने। चलिए, और आपने मतलब आप पूरे चैन अमन का क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं पूरे टूंडला नगर वासियों को, देशवासियों को? मैं इस टूंडला के हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, आज के इस त्यौहार पर भी और आने वाले किसी भी त्यौहार पर सब मिलजुल कर रहे, किसी की बातों में ना आए, हम सब मिलकर रहेंगे तो यहाँ का वातावरण हमेशा अमन और चैन का रहेगा।